کو انداز آپ کا خواہش کے مطابق حکومت برطانیہ نے آپ کو پاکستان بھیجوا دیا. اس ڈیوریشن میں اگر ہمارا طرف سے کوئی مسٹیک ہوا ہو تو ہم سوری بول رہے ہیں. ویری سوری. تھینک یو رابرٹ, تھینک یو. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور ہمیں آپ پر کوئی گرا نہیں. ہم اور آپ بھائی بھائی. ویلکم مسٹر بھگوان داس. جولی مائی سویٹ, مائی لو, میرا دل. چوروں کے گھر چور, چوروں کے گھر چور, چور چور چور, چور چور چور. ان کی چوری, دن بھی چوری, عشق تمہاری اس دنیا میں کرتے ہیں تم سن بھی چوری. چوروں ہی کے ہاتھ پتنگے, چوروں ہی کی دور, ہر جانب ہے چورا کاری, دیکھو میں کس اور. کھا جاتے ہیں ملک بھی اپنے جو ہو ملت خو. چوروں کے چور چکے ہم سارے کمزور, چوکی دار بنے بیٹھے ہیں چوروں کے گھر چور, چوروں کے گھر چور. آپ کے آنے کی اطلاع تو مجھے فیکس پر مل گئی تھی, اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو ملک بدل کر دیا گیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہاں آنا پسند کیا, اس لیے کہ یہاں آپ کی دوست جولی رہتی ہے. جولی, میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں میری دوست رہتی ہے, بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ یہاں میرا دشمن رہتا ہے. پرنس محی الدین. دشمنی کی بات چھوڑیے, پہلے چل کر ذرا ریلیکس کرتے ہیں. پتنگا کوئی, پتنگا کوئی, پتنگا کوئی.
पास अपने दुश्मन मुहैयुद्दीन के बारे में पूरी डिटेल्स। भगवान दास लुंगी वाला का माल 10 करोड़ था। प्रिंस एंड कंपनी के शिप पे लंदन जा रहा था। प्रिंस से मुखबरी करके मुझे पकड़वा दिया। अदम सबूत की वजह से अदालत ने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन मेरे तमाम एसेट्स हकूमत बरतानिया ने जब्त कर लिए और मुझे देश निकाला दे दिया। अब क्या चाहते हो भगवान दास? जूली, देख, इरते, मजहब का हिंदू हो और माथा तिलक से खाली हो, कभी ऐसा भी हुआ है? भगवान दास जब भी तिलक लगाएगा दुश्मन के प्रभु से लगाए। हेलो, यस, प्रिंस मुहियुद्दीन स्पीकिंग। ओ जमील साहब, कैसे हैं आप? अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोन कर लिया। हाँ भाई, वो सिंगापुर वाली पार्टी से हमें डील नहीं करनी, क्योंकि वो लोग हमें कुछ सूट नहीं कर रहे। हाँ हाँ भाई, हमें मिस्र वाली पार्टी से डील करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई। हेलो पापा। ओके, आप हमें बहुत मिस करते हैं। हमसे तो अच्छा ये फोन ही है जो हर वक्त आपके पास रहता है। आप तो हमें एक टाइम ही नहीं देते। एक तो आपकी कारोबारी मसरूफियत खत्म ही नहीं होती, पता है आपको? आज आपने कमल के साथ स्कूल जाना है। वहाँ सब बच्चों के पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि आज हमारे स्कूल में एनुअल कन्वेंशन है। आज हम अपने बेटे के साथ स्कूल जरूर जाएंगे। आ, आ, सेठ साहब, आपका बहुत जरूरी फोन, जापान की पार्टी बात भाई, मैं सब कोई बात नहीं कर सकता सर, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, बात कर ले। मुझे अपनी बेटी से ज्यादा दौलत अजीज नहीं है। कि कोई किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं? ओहो, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी होती तो वो मुझे मारते।
मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश ना करते तो गोया वो अगवा बराए तावान करना चाहते थे। हाँ, हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे मरीज के जहन पर ज्यादा दबाव मत डालें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। मिसिस प्रिंस, आप अपने शोहर को शहर के हंगामों से दूर किसी सेहत अफजा मुकाम पर ले जाएं, क्योंकि इनको सुकून की सख्त जरूरत है। आप खुद लेडी डॉक्टर हैं और जो दिमागी चोट के बारे में समझती हैं, लिहाजा दिमागी चोट इनके लिए बायसे नुकसान भी हो सकती है। ये रहा मेडिकल का चार्ट, इसके मुताबिक दुआएं देती रहिएगा। शुक्रिया। सुना है आपने? डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरा ख्याल है कि हम लंदन शिफ्ट हो जाएं। नहीं बेगम, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मगरबी तहजीब में पलकर जवान और उस तहजीब का जहर उसके जिस्म में फैल जाए। बशर की शर्मोया और साफ सुथरी हवा में उसका दम घुटने लगे। कमल के लिए हम हाजिर हैं प्रिंस साहब। इसे हम अपने हॉस्टल में रखेंगे जो शहर के शोरगुल से बहुत दूर है। मगर जो हादसा हुआ है उसके पेशे नजर कमल की जिंदगी को खतरा है। हमारे हॉस्टल में सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है। हम अपनी बेटी को आपकी कस्टडी में देते हैं। बाय बाय। सोचने और जागने से डॉक्टर ने आपको मना किया है, प्लीज आप सो जाएं। सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी उठना है। पापा याद आ रहे हैं, वो मेरे बगैर नहीं सोते। पागल, तेरी मछलूंगी वाला के दर पर दुश्मन की औरत को ले आए। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। अरे कितना बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने। अरे ये कितनी अच्छी है, कितनी मासूम है। ए, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ मुझे। आप जा सकती हैं। बेगम, बेगम कहाँ हो? हमारी लाभ बढ़ गई है, तुम मुर्गा नहीं मुर्गी बनोगे। मैं मुर्गी नहीं बन सकता। क्या हूं? मैं मुर्गी बना तो आप अंडे की फरमाइश करेंगे। और तुमने मुझसे तय किए बगैर चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की।
तो क्यों नहीं की? ये थाना क्यों खुला है? ये कैसे चलेगा थाना? चोरी नहीं की, बदतमीज। सर मुझे मुजरी में रहने दे, मुसरत शाही ना बनाए। ओहो अंदर से बहुत बोया भाई। हवालदार साहब जी। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वो अभी थाने से बाहर हैं। तो फिर आप ही मेरी रिपोर्ट लिखे। तो मैं पढ़ा लिखा होता पुलिस में आता, आपको नजर नहीं आ रहा एक शरीफ आदमी तफ्तीश कर रहा है जी। वो मेरी बीवी लापता हो गई है। मुबारक हो, मरहबा, सुभान अल्लाह, आप दुनिया के खुशनसीब आदमी हैं जिसकी बीवी लापता हो गई। एक मैं बदनसीब हूँ जिसकी बीवी ना भागती है ना मरती है ना नसती है। सब भाइयों मिलकर दुआ करो मैं भी इनकी तरह रणवा हो जाऊं। आमीन। शुक्रिया, तुम्हारी आधी सजा कम हो गई। क्या बेहुदा मजाक है, मुझे इंस्पेक्टर साहब का पता बताएं, वो कहां है? आप उनसे ना ही मिले तो बेहतर है, वरना वो आपकी बीवी को ढूंढ निकालेंगे। व्हाट नॉनसेंस, मुझे इंस्पेक्टर साहब का पता बताएं, वो कहां है? आप जाएंगे? जी तो जाइए। वो इस वक्त लक्की इंटरप्राइज नामी बॉन्ड वाले जुबैर साहब के यहाँ चोरी का वकुआ देखने गए। वो जगह कहाँ है मुझे बताएं? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं बताऊं। तुझे कैसे पता? वही तो मैंने चोरी की है। जब से नहीं बता रहा था, कैसी तफ्तीश की खुद ही बोल पड़ा। चल बता। मैं बताऊं, आप बाजार में जाकर किसी से भी पूछिएगा कि हमीदे चोर ने चोरी कहाँ की, वो सीधा आपको दुकान पे ले जाएगा। हाँ। वहीं आपको इंस्पेक्टर साहब मिलेंगे। लो आ गए इंस्पेक्टर। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, चलिए मेरे साथ आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यहां मेरी बीवी का मिस्टर प्रिंस, आपकी हालत देखकर अब मुझे बाकी शुभ होने लगा है कि आप जहनी तौर पर अपसेट हैं। आप वैसे अपने जहन पर जोर दें कि वाकई यहां निशानात थे। इंस्पेक्टर साहब अभी तो निशानात मैं यहां देखकर गया था। तो फिर एकदम साफ कैसे हो गया? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ गया। मिस्टर प्रिंस, पहले आप अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों से पूछगछ करें, उसके बाद मैं आपकी बीवी को तलाश करूंगा, ठीक है? अब मैं चलता हूं। जी देखिए मिस्टर मोहिद्दीन, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फोन कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहां भी नहीं आई तो फिर कहां चली गई? या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलिए। मेरी बीवी मिल गई? मैं भी आ रहा हूं। वो तुम्हारी बालकन मिल गई है, मैं उसे लेने जा रहा हूं। मुबारक हो साहब, आपकी बेगम मिल गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए। कहां है मेरी बीवी? पहले जरा मिठाई तो खिलाओ। जी खाइए। थैंक यू। बच्चू भाई, ये किस खुशी की मिठाई है? इसकी गुमशुदा बीवी मिल गई है, पागल खुदकशी करने के बजाय खुशियां मना रहा है। हवालदार। यस सर। आप भी खाइए ना हवालदार साहब, क्या आपको खुशी नहीं हुई? मुझे तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन मेरी अपनी बीवी नसेगी। हवालदार। यस सर। जी सर। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, कहां है मेरी बेगम? बुलाइए ना मेरी बीवी को। हाँ जी अभी बुलवाते हैं। हवालदार, उस लड़की को लेकर आओ। नहीं सर। क्यों? लोग कहेंगे ये लड़कियां लाता है। आवाज, बकवास बंद करो। सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आवाज दे दूं। ठीक है। मिसेज मोहिद्दीन हाजिर हूं। लीजिए, घर की मिठाई आ गई है। एक मिठाई मुझे। कौन है आपकी बीवी? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी नहीं। मुझे ही दे दे अल्लाह के नाम पे। सर जिसकी ऐसी बीवी हो ना, वो काम पे ही ना जाए, घर बैठा हो कंधे पे रुमाल रखकर, डिफेंस में कोठी हो। शट अप। सर मेरी इतनी बेइज्जती क्यों होती है? इसलिए कि तुम इसी काबिल हो। हाँ। ये आपकी बीवी है? नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है हवालदार साहब। हाँ, ये इनकी बीवी हो ही नहीं सकती। पूछे कैसे? कैसे? इनकी शक्ल नहीं मिलती। तुम्हारे अब्बू की शक्ल तुम्हारी अम्मी से मिलती है? नहीं, वो मिलते हैं।
तो फिर तुम्हारी शक्ल उनसे क्यों नहीं मिलती? अब्बू से? हाँ, याद आया, उन दिनों अब्बू दुबई गए हुए थे। ओ डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी तक अपसेट हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ रूपी। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या मजाक है? ये मेरी बीवी नहीं है। देखिए प्रिंस मोहिद्दीन साहब, अगर आपको और आपकी बीवी का कोई झगड़ा है तो उसे घर जाके तय कर लीजिए, वरना आप खुद सोचिए कि एक औरत किसी गैर मर्द को अपना मियाँ कैसे कह सकती। देखिए मिस्टर मोहिद्दीन साहब, मुझे आपकी बीवी से पता चला है कि आप दिमागी तौर पर कुछ अपसेट हैं और इसी वजह से आप यहाँ अपना इलाज कराने। इंस्पेक्टर साहब, इनसे पूछिए क्या 18 दिसंबर 1989 को इनकी शादी लंदन के साउथ हॉल में नहीं हुई थी? हुई थी, मगर तुम्हारे साथ नहीं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मगर तुम्हारी पीठ पर जो चांद गिरण का स्याह निशान है वो भी नहीं मानोगे तुम। सर, इस किस्म का एक निशान तो मेरी पीठ पर भी है, कहीं मैं इनका शौहर तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे शौहर की पतलून उतरवाएं। जी? मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। सर, ये लड़की ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ सामने ला के रहेगी। फिर भाई, ये सही कह रही, मगर ये तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर, तुम्हारी कोई निशानी मुझसे पोशीदा रहे ये हो ही नहीं सकता। अब ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे किस तरह किया करते थे प्यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इसे झूठी साबित नहीं कर सका, मगर मेरी बीवी का कुत्ता ये जरूर साबित कर देगा। ठीक है, अगर आपके कुत्ते ने आपकी बात सही साबित कर दी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस लड़की को अरेस्ट कर लूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आइए जान, ये क्या बदतमीजी है? हर आदमी मेरी बेइज्जती करता है, अल्लाह करे कुत्ता इसे पहचाने नहीं बल्कि पह जाए। वो जी कुत्ता कहाँ है? इधर ही है, मैं बुलाती हूँ। लूडी, लूडी, माय स्वीटहार्ट, माय डार्लिंग। आज से मेरा नाम भी ब्लूडी है, कभी तो मुझे अपने कमरे में बुलाएगी। कितना गंदा हो गया है, तेरे साहब ने तुझे नहलाया भी नहीं। तू तो मेरे बगैर उदास हो गया हो। इंस्पेक्टर साहब, अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? नहीं मिसेस प्रिंस, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आप इनका और अपना ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द किसी दिमागी डॉक्टर से रुजू कीजिए। सोना
झिंक 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 मम्मी नानू से मिले इंग्लैंड गई हुई। हाँ बहुत जल्द आ जाएंगी। आए तो बात करवाइएगा, बहुत याद आती है। हाँ 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 बेटा जरूर। ओके पापा। हाँ खुदा हाफिज। हेलो बॉस, बच्ची का पता चल गया है। तुमने बहुत एफिशिएंसी दिखाई है। आई Proud of you. What is the next? तुम सब पुराने ठिकाने की तरफ चली आओ, बाकी प्रोग्राम तुम्हें मिल जाएगा। Okay. See you. तुम इज्जत कहां और किस काम से जा रही है? घबरा गए ना मुझे देखकर?
घबराओ मत, ये सब लोग अपन खाते। वैसे मेरी बीवी का रोल कैसा अदा किया? अरे डार्लिंग, अगर वो साला शरीफ आदमी नहीं होता ना तो अपन तेरे को ये रोल नहीं करने देता। तुम्हें मुझ पर एतवाद नहीं? क्यों नहीं डार्लिंग, अब देखो ना, कल इस साले का बीवी इसके घर पहुंच जाएगा और अपन की जगह इंस्पेक्टर बहादुर ड्यूटी पर आ जाएगा, ठीक है? और वैसे भी तुमको पता है कि बॉस के साथ अपना अग्रीमेंट है कि अपने धंधे में ये खून खराबा नहीं चलेगा। अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है प्रिंस की बेटी का। वाह, डिंग डिंग डंग डिंग डिंग डिंग। मैंने आपसे कहा है कि ये दरसगाह है, मनीषात का डर नहीं। हमें तो यही इत्तला मिली है कि इस दरसगाह की आड़ में नाजायज फरोशी का धंधा हो रहा है। ये रहा आपका सर्च वारंट। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, हम गिल्टी नहीं। थैंक यू। चलो स्कूल की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर चारों तरफ देख लिए, बच्ची कहीं नजर नहीं आई। सर यहां तो कुछ भी नहीं है। देखिए प्रिंसिपल साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ, ये तो हमारा फर्ज है और आपको पता है हमको ड्यूटी तो अपनी पूरी करनी पड़ती है। मैं तकलीफ की माफी चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपका फर्ज था। आओ खुदा हाफिज। चलिए बच्चों की जानें जाया हो सकती है, समझे? हम सिर्फ इस बच्ची को यहां से लेकर जाना चाहते हैं। अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश की तो ये सारी नन्नी मुन्नी जानें जाया हो जाएंगी। छोड़ो, 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 नहीं। और पठान अपनी सरहद की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। खराब का बचा,
पठान को पीछा दिखाकर। चौकीदार चौकीदार होता है। काबू बाटला हाजिर है जनाब। जेल कसम जेलर साहब, आपका जेल अच्छा नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप। तुम्हारी सजा खत्म हो गई बाबू बाटला, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा तुम शराफत की जिंदगी गुजारोगे और चोरी जैसे जलील पेशे से परहेज करोगे और दोबारा जेल नहीं आओगे। अरे जेलर साहब, जेल तो चोर का घर होता है और चोर के घर चोर का आना जाना तो रहेगा ना साहब। हाँ, अपन चोरी नहीं करेगा आज के बाद, कसम से। टैक्सी चलाओगे क्या? ऐसा ही कोई शरीफाना काम करेगा साहब, जिससे पाक तेल भी मिल जाए और पजारो भी। फिर वही सोच है तुम्हारी? इस मुल्क में हर आदमी की यही सोच है साहब, यही सोच है। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहां शराब पीना कानूनन जुर्म है, मगर पी जाती है। इस मुल्क में मिलावट करना इखलाकन जुर्म है, मगर की जाती है। कौन सा शहर कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहां इज्जतों के सौदे ना हो? थाने से लेकर इसमें तक सब चलता है साहब, सब चलता है। ये सब चोरों के घर में चोर है साहब, मगर बहुत इज्जतदार है, बहुत इज्जतदार है। अब अपन भी कोई ऐसा ही धंधा ढूंढेगा साहब। ए साहब, अगर अगले इलेक्शन में अपन का फोटो नजर आए तो माइंड नहीं करना क्या? सलाम साहब। सलाम। अरे संतरी बादशाह, अरे दरवाजा खोलो नहीं, अपन को बाहर करो। अभी तो हम किसी को अंदर भी नहीं कर सकता। चाबी शेख सुल्तान के पास है और शेख सुल्तान साहब के कमरे में, थोड़ा इंतजार करो। ए, शेख सुल्तान आए तो उसे दे देना, ये उसे काम आएगी। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अरे मचा था क्या? नौ बादशाह, कसम जेल की आजादी की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये साले शकीर बड़े लानती, लेने एक भी नहीं आया। कोई बात नहीं। अरे हाय मुबारक हो उस्ताद। ओ मारिया माय डार्लिंग, अरे तेरे को कितने बार बोला है कि अपन को उस्ताद ना बोला कर। अरे तू अपन की जिंदगी है, जान है तू मेरी, अपन के बाद गुजर कैसे हुआ? एक मौसम की वजह से शो वगैरह करती हूँ, हर बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है। मारिया, अब तुझे ये शो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि बाबू बाटला जेल से एक ऐसा प्लान बना के आया है। चाचा। हाँ बोलो। एक बात तो बताओ, चोरों की भी कोई जिंदगी है? हर वक्त कानून और गोली हमारा पीछा करती है। बेटा, इस सारी दुनिया में सब चोर हैं, पर सिर्फ इतना है कि अपन लोग प्रोमिनेंट चोर हैं और दूसरे इज्जतदार चोर हैं। वैसे भी अपन का इस दुनिया में है ही कौन बेटा? क्या कहा राजा? मैं जो हूं तुम्हारे बेटा, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, और ये दुनिया हम दोनों के लिए। सच? Oh,
अपन को बहुत अफसोस है कि अपन लोगों की वजह से आपको और इंतजार करना पड़ा। हमें अपने ऑपरेशन की नाकामी का बहुत अफसोस है भगवान दास। ये सब मुखालिफ को कमजोर समझने का नतीजा है। बिल्ली के शिकार के लिए शेर का सामान होना चाहिए। शुक्रिया। मायूसी नहीं, इस ऑपरेशन को कामयाब ही समझो। कम अज कम उस प्रिंस की बेटी का पता तो चल गया ना कि वो कहाँ है। लेकिन एक अच्छा जरूर पैदा हो गया है भगवान दास साहब, वो लोग बच्ची को स्कूल से खारिज भी करवा सकते हैं। नो बाबर नो, स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल साहिबा प्रिंस को इस अटैक की भिने तक नहीं पड़ने देगी। फिलहाल तुम राजा को हॉस्टल पहुंचाने का बंदोबस्त करो। कैसा है राजा की रात? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अपने घर में रहो अपने घर में। ओन कसम, इस मुल्क में इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए पाक तल और पिजारों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फोन नंबर लाइयो। ये कुछ फोन नंबर है मेरे पास, इनमें से चार पांच तो जरूर फंसेंगे। वो तो ठीक है, मगर मगर फोन कहाँ से करें, फोन नहीं है। काफी गर्म है, लगता है चार्ज हो गया है। किसका है? एक सहेली का है। उसे जरूरत नहीं है क्या? नहीं, दरअसल वो रात को इस फोन को इस्तेमाल करती है और दिन को सोती है। उसका नाम क्या है? टीना का है। टीना, जो सुकून मुझे तुम्हारी बाहों में मिलता है वो घर की चार दीवारी में नहीं मिलता। तुम मेरी रूह में समा चुकी हो मेरी जान। कौन? मैं तुम्हारा राजदान। कौन हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम इसे कहाँ हो और किस हालत में। तुम्हें कैसे पता मैं दो नंबर औरत के पास यहाँ हूँ? पुलिस और प्रेस दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं। जुबान बंदी का 50,000 रुपया लेकर पुराने बाग की तरफ आ जाना, वहाँ पर ही बाल्टी में 50,000 रुपया डाल देना। अगर कोई चलाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, ओके। हेलो, कौन? तुम्हारा राजदान। मेरा राजदान? ऊपर तेरे राज किन्ने दसिया है? तेरे प्यो ने। मेरे प्यो ने? मेरे प्यो ने मेरे नाल जंगल कीता। तो फिर 50,000 रुपया लेके आ जा, तो पुराने मुस्लिम बाग विच बोर्ड थले रखी हुई बाल्टी विच पा देंगे। हेलो, जेलर शाकिर शाह स्पीकिंग। ए साला, मारिए कसम जाके जेलर से फोन मिल गया। वैसे ये सिस्टम है बड़ा सेफ। ए मारिया, इस शहर में लाखों की आबादी है, इसमें से हजारों तो ऐसे होंगे जो दो नंबर का धंधा करते हैं। अरे यार, हम भी तो तीन नंबर का धंधा करते हैं, चलो चलते हैं। चलो पहले उसे चल के वसूल कर ले। चलो चलकर वसूली करते हैं, चलो। धंधा वाह पाटला वाह, क्या खूब तरीका निकाला है यार। एक बात तो बता, ये सारे लोग इधर उधर तो देखता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं। अरे मारिया, बाल्टी कसम, आजकल तो लोग ऊपर खुदा की तरफ नहीं देखते, तुम्हारी तरफ क्या देखेंगे? अरे क्या देखेंगे हमारी तरफ?
मैं आऊं कवल बेटा? आ जाओ। पकड़ी गई, पकड़ी गई, पकड़ी गई। कौन? किसके साथ? अरे तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये आप किसके साथ खेल रहे थे? जी दरअसल मैं मन्नत मान रहा था रेशम जी। सुना है इंसान अपनी आंखें बंद करके खुदा से जो मांगे मिल जाता है। कमल कमल, सॉरी चोट कहां लगी? मार कर पूछती हो चोट कहां लगी? देख नहीं रही, चोट दिल पे लगी है। बच्ची समझ गई, तू फिर भी नहीं समझी।
मेरे खुदा मैं तो थक गई, चलिए उठिए ना, अब तो दर्द ठीक हो गया होगा ना। मिस्टर, हाँ जी फरमाइए। हमें प्रिंसिपल साहिबा से मिलना है, उनका ऑफिस किधर है? जी ऑफिस मैं आपको अभी बताता हूँ। हे कमाल साहब, हुजूर अनवर, आपको जरूर जहमत तो होगी, आप इन बड़े साहब को जरा प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में ले जाइए, हम जरा क्लास अटेंड करके आते हैं। जी आइए। ये है जी ऑफिस। आ गया साला, वो साला इंस्पेक्टर चला गया। हाँ चला गया। तुम्हारे को छोड़ गया? तुम्हारी मौत को अपने साथ कैसे ले जाता, और वैसे भी कमल को मैंने अपने साथ ले जाना है। ले जाओ साला, अपन को क्या, लेकिन कमल को नहीं। प्रिंसिपल साहबा की भतीजी रेशम को, कैसा है? ठीक है ना, ठीक है ना, ले जाओ साला, स्मार्ट है, तुम्हारा सारा काम देखेगी, तुम्हारा घर बसाएगी, वाले छोटे छोटे बच्चे पैदा करेगी, ठीक है ना। लेकिन कमल को ले जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल लो, क्या समझे? हाय कमाल, आप यहाँ हो और मैं आपको स्टाफ रूम में देख रही थी, चलो मैं इसमें चल के चाय पीते हैं। हाँ चलो। साला गरम चाय। ठीक है चा, इनसे अगर छोरी ना डिटिया शर्म न थी अच्छे। तुम क्या कर रही हो? ये मुझे टुकड़ टुकड़ क्या देख रहे हो? इससे पहले क्या कभी लड़की नहीं देखी? देखी है मगर तुम जैसी नहीं। शर्म ना आवे है, अपने उस वारे के सामने मन ने देखे हैं। तुम्हारा ये रूप बहरूप अच्छा लगा। नहीं यही लगती है, मगर चाय बहुत अच्छी बनाती है। जानता हूँ। वैसे एक बात है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगे है, क्या शादी बना लिया? शादी तो नहीं बनाया, लेकिन एक बच्ची जरूर बनाएगा, वो भी 7 साला। इतनी बड़ी बच्ची भला मैं कैसे पता कर सकती हूँ? तुम्हारी शादी हो गई है क्या? ना 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 ना, ना। हमें शादी नहीं बनाना। वो क्यों? हमें बच्चा बनाने से बहुत डर लगे है। हमारी पैदाइश से 1 मिनट पहले हमारी अम्मा अल्लाह को प्यारा हो गया। वैसे हम शादी उससे बनाएगा जिसका पहले से 7 साल बच्ची होगा, हम उसको खिलाएगा और फिर ले जाएगा। वैसे तुम अगर 70 साल भी हो जाओ फिर भी तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। चलो आप। 1 2 1 2 1 2 That's all। आज के लिए इतनी पीटी काफी, बाकी टाइम में हम आपको एक लेक्चर देंगे और लेक्चर का उन्वान है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। बच्चों, उस्ताद बाप होता है और शागिर्द उसकी औलाद। आप लोगों के दिल में ख्याल जरूर आया होगा कि उस्ताद बाप कैसे हो सकता है। ये दुरुस्त है कि माँ बाप जन्म देकर जिंदगी देते हैं, मगर उस्ताद उस जिंदगी को जीने का ढंग देता है, इल्म देता है। बच्चों, किसी ने सिकंदर बादशाह से पूछा कि उस्ताद और बाप का क्या मुकाम है। सिकंदर बादशाह ने जवाब दिया कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर ले आया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। लिहाजा बच्चों याद रखो, उस्ताद का मुकाम माँ बाप से भी ज्यादा होता है। आओ बेटा बैठो। आप ठीक कहते हैं, पापा तो हमें टाइम ही नहीं देते। आप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप अच्छे उस्ताद और अच्छे बाप हैं। मैं हमेशा आपको बाप की निगाह से देखूंगी। शाबाश बेटा। रेशम, तुम रात के यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं बच्चे को सैर कराने लाया था। ये मौसम बच्चों को सैर कराने का नहीं। कमल, गो टू योर रूम। मेरे अंकल का ख्याल रखिएगा, खराब मौसम में कहीं गुम ना हो जाए। अब बड़ी बच्ची आ गई है तो छोटी बच्चे गए।
ये तुम्हें आज क्या हो गया रेशम? ऐसे कामों में तो ऐसा ही किरची किरची होकर बिखर जाने को जी जाता है। लगता है तुम्हें अपने प्यार की सच्चाई पर भरोसा नहीं? मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं है। उठो रेशम, अपने कमरे में चले जाओ, किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आ जाने तो कयामत, खाक हो जाएंगे हम उनको। रेशम, रेशम, ए भगवान दास, वेरी हैप्पी न्यूज। वो साला कमाल जो था ना, जिस जमीन पे अपने कदम जमा के खड़ा था, उस जमीन ने उसके पांव के नीचे से खींच लिया। और जो कांटा तुम्हारे और अपन के सीने में था ना, निकाल कर फेंक दिया। फिर भी उस हरामी पिल्ले से मुख्तात रहना होगा राजा। ए! भाई साचो, घटिया हरकत करने से कभी पास नहीं रहता। आप फिकर ना करें भगवान दास, राजा के होते हुए मैदान हमारे हाथ से नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक, कल अपन और प्रिंसिपल साहिबा शॉपिंग पे जाएगा, और पता क्या, साला कमल भी अपने साथ होगा। क्या समझे? वेरी गुड। अरे अपन का सारा लोग अपन की गाड़ी पे अटैक करेगा, कमल को किडनैप करेगा, और अपन का सारा लोग तुम्हारे पास पहुंचाएगा। कैसा है? क्या हुआ मिस्टर जमाल? लगता है मैडम गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। अभी देखता हूं। को लेकर जा रहे हैं, कोई रोकने की कोशिश न करे वरना हम सबकी लाश मिटा देंगे। अब क्या होगा मैडम? उनके पास तो जदीद असला है और हमारे पास एक सुई तक नहीं। I'm gonna
कमाल आ गया, गिरडे कमाल आ गया, कमाल आ गया। मिस्टर जमाल, वो आपको बुला रहा है। मैं देखता हूँ शायद गाड़ी ठीक हो जाए। जाइए मिस्टर जमाल, वरना वो लोग कमाल को मार देंगे। जाइए, आपको गाड़ी की पड़ी, जाकर उसकी मदद करें। उसकी? हाँ। अच्छा, मैं उसकी मदद करता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। जाइए जाइए, आप ना घबराइए। अरे भाई, मैं एक सीधा साधा शरीर से टीचर, मुझसे क्या करवा रहे हो भाई? अच्छा, अरे अरे, ये तो अपना हाथ ही ले गया भाई। देखो देखो, सारा मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ एक जोर की लगाओ, जोर की। वेरी गुड अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आपने सबको भगा दिया। हाँ, सबको भगा दिया, लेकिन भैया इसमें हमारी मेहनत भी शामिल है। वाकई सारी मेहनत तो आप ही की थी। अब प्रिंसिपल साहिबा के सामने जाकर मेरी सफाई पेश करना, वरना मैं ढोल का फूल खोल दूंगा। मैडम, मेरी बच्ची। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। कमल कहाँ गई? कहाँ गए? कहाँ गए दोनों? अबे ओ मवाली, इसे तो होश में लाओ। अबे ओ साला, ज्यादा हमदर्दी जताने का जरूरत नहीं है। अब तेरा काम खत्म हो चुका है, क्या समझा? अब अपना रास्ता नापो, वरना तेरा हुलिया दुरुस्त कर दूंगा। ए दुश्मन साला, बच्ची को तुम ऐसे नहीं ले जा सकता। तुम्हारा हमारा फैसला हमेशा ताकत से हुआ है। रुक जाओ राजा, तुम्हें मेरी कसम। इतना बड़ा कसम डाल दिया साला, अरे तुम अपन के बीच में क्यों आता है? इसलिए कि तुम दोनों के दरमियान के फासले आज के बाद खत्म हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि एक अकेला दो ग्यारह, तुम्हारी आपस की दुश्मनी ने तुम्हें धोती का कुत्ता बना दिया है। कुत्ता जो ना घर का ना घाट का, तुम्हें से एक रास्ता बनाता है तो दूसरा इसको बंद कर देता है। जब हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं तो फिर क्यों ना एक ही सवारी के सवार बन जाएं? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे बॉस का टट्टू बन जाऊं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। इस दुनिया में जब भी कामयाबी की तारीख लिखी गई तो तलवार की नोक से लिखी गई, और लिखने वाले चंद बहादुर थे जिनके सीनों में बगावत थी। और अगर ये बगावत अदावत में बदल गई तो इस अदावत में तुम हमें अपने शाना बशाना पाओगे। डन, तो फिर आज के बाद इस धंधेबाजी में हम पार्टनर ही नहीं बल्कि दोस्त भी होंगे। और इस दोस्ती को निभाने के लिए अगर मौत भी सामने आ गई तो पीछे नहीं हटूंगा, ये वादा है एक मर्द का मर्द से। दोस्तों मुबारक हो, यहां से चंद कुछ दूर मेरी एक सहेली का घर है, वहां चलते हैं कमल को लेकर। चलिए। वहां है, मुझे क्या हो गया था? बेटा आप अगवा हो गए थे, और पता है आपको, आप बेहोश हो गए थे, और जो दुश्मन आपको पहले उठाना चाहता था उससे हम अपनी बेटी को बचा कर लाए। अंकल, जो मुझे उठाना चाहता है क्या वो मुझे ले जाएगा? हमारे होते हुए हमारी बेटी को भला कौन उठा सकता? अंकल आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, पहचाने नहीं जा रहे। बेटा दुश्मन से बचने के लिए हमने अपना हुलिया बदला है। अंकल आप कितना खूबसूरत निकल आए हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। अरे फिल्मों में? बेटा तुम्हारे अंकल एक्टर तो है ही। पापा से कब मिलेंगे, वो मेरे बगैर उदास होंगे। बेटा हम स्कूल और हॉस्टल से बहुत दूर हैं, अंत करीब हम आपके डैडी तक पहुंच जाएंगे। मैं पापा के बगैर बहुत उदास हूँ। उदास हो गई हो? अरे भैया ये तो मसला है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी उदासी एक मिनट में दूर कर देते। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। Oh, my God.
तुम्हारी तरफ से आंख हटाकर जुबान बंद कर लूं, तो 1,00,000 रुपया लेकर पुराने बाग में आ जाओ, वहां रखी हुई बाल्टी में रखकर वापस चले जाना, वरना आंख और जुबान के साथ साथ पिस्तौल का मुंह भी खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। क्या बोल रहा था साला? चोरों के हर चोर, इसका मतलब है कि ये जगह भी खतरे से खाली नहीं, हमें फौरन यहां से शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन जाने से पहले साले को मिलना बहुत जरूरी है। चलो बेटी, आओ रीटा। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? यहां तो कोई भी नहीं। अपने पैसे? अरे बाप रे, क्या करूं? हिम्मत करके डाल दो। डाल दूं? डाल दो ना। अच्छा लो भाई, अल्लाह मियां, डाल दिया। अबे तू, अबे वो बाटला वाला साला तू, अरे तुम, तूने ये क्या धंधा शुरू कर दिया बाटला? अरे बाबा ये कमाल धंधा है, उंगली घुमाओ और माल बनाओ। और ना इस काम में पुलिस का डर, ना ही किसी का हिस्सा। टेक डाइलिंग, क्या समझा? ए राजा, ये बच्ची किसकी है रे? क्या बर्दाफ्त होशी शुरू कर दी तूने? ओ नहीं यार,
ये राजा का बाल बच्चा है। हाँ ये अपन का बाल बच्चा है। अबे अबे साल पहले तू जेल में मिला, तू बोला कवारा है। अबे कवारा बाप कैसे बन गया रे हैं? किसकी है ये बच्ची? देख भाई जेल में तो साला ऐसे बोलना पड़ता है, वरना लोग शक करेगा कि खुद तो साला जेल में है, ये बच्चा किधर से पैदा हो गया। ए राजा राजा ये तू रख ले, रख ले ना यार। अरे नहीं बाटला तू ही रख ले। अरे अपने पेटी बरादर से लेते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा अगर तू जिद करता है तो रख लेते। पटला ये हमारी तरफ से तोहफा। कमाल आ जाओ चलो। आज अकेले ही खेल रहे हो भगवान दास? हाँ जूली, जब मैदान से दूसरे खिलाड़ी भाग जाएं, फिर बाजी अकेले ही खेलना पड़ती है। क्या मतलब? प्रिंस महीउद्दीन के लिए मेरी बिछाई हुई बैसात पर तुमने जो मोहरे चलाए थे, अब वो अपनी चाल बदल चुके हैं। कमल को लेकर गए, राजा और रीटा को 2 दिन गुजर गए हैं। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए हों। इम्पॉसिबल, सांस के आने और जाने पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक चोर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। बहुत दिनों से कोई नंबर नहीं लाई, फोन कसम इसे इस्तेमाल किए हुए बहुत देर हो गई है। तब से 1,000 का ले रखा था, साला आज तक निकला ही नहीं है। चलो आज इसी के नंबर पर ट्राई करते हैं, किस्मत आजमाते हैं। तुम मिला नंबर? हाँ, प्रिंस बोल रहा हूँ। तुम्हारा एक बहुत ही कीमती राज है मेरे पास। पता बताओ तो मैं अभी आता हूँ। हाँ तुम फिक्र ना करो मैं अभी आता हूँ। मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे मेरी बच्ची का पता बता दो। खुदा के लिए मेरी बच्ची का मुझे पता बता दो, मेरी कमल का पता बता दो, रास्ता मेरी बच्ची का। उठो सेठ, उठो सेठ, तुम्हारा दुख देखकर मेरे अंदर का इंसान रो दिया है, रो दिया है मेरे अंदर का इंसान। सेठ हम अपनी जान पर भी खेलकर तेरी बेटी को बचा कर लाएगा। हौसला रखो सेठ, हम उन कंगाल लोगों को अच्छी तरह जानता है जो तुम्हारी बच्ची को उठा कर ले गया। हम अपनी जान पर भी खेलकर तुम्हारी बच्ची को जरूर बचाएगा। ये पैसा ले जाओ सेठ, ले जाओ ये पैसा। मारे कसम मारिया ने जो वादा किया है बाबू बाटला से जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। मेरा ख्याल है रात गुजारने के लिए यही जगह ठीक है। अरे लोग तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अरे बेवकूफों तुमने कुल्हाड़ी पर पांव मारा है। अरे तुमने कैसे सोच लिया हैं कि तुम मुझसे बच जाओगे? भगवान दास लुंगी वाला से कैसे बच जाओगे? देखती
महंगी बच्ची है। ए बाबा, इन सबको गाड़ी में बंद करके हमारे अड्डे पर ले चलो। ए जूली, हम कोई जरूरी काम करके पहुंच रहे हैं। चलो सो, चलो, आने लगो। कौन है? पहले चल के इनकी खबर लेते हैं। आओ मेरे साथ। Thank you.
लगी हुई आपको तो लगने दो ना, हाय क्या जल्दी है। तुम लोगों का बड़ा शुक्रगुजार है कि तुमने हमारा जान बचाई। अब तुम लोगों का भलाई इसी में है कि तुम लोग बच्ची को मेरे हवाले करके ऑर्डर पार कर जा रहे। बाटला होश करो। फ्रेंड कसम, ज्यादा बात की तो तुम दोनों का सर तन से जुदा कर देगा रे। छोड़ दो मेरे अंकल को, छोड़ो। ये तुम्हारे बाप से करोड़ों रुपए अटने के लिए मैं सोने की चिड़िया बनाकर उठा लाए। रास्ते से अड़ जा बाटला, अपन ने ये सौदा जिंदगी और मौत को दांव पर लगा कर किया है, क्या समझा? तुम भी तो हमारे प्रोफेशनल के आदमी हो बाटला, हमारे जोड़ीदार बनकर हमारा साथ दो। हम तुम्हें भी बराबर का शेयर देंगे। तुम मुस्तारत से भी बदतर हो जो अपनी गर्ज पूरी करने के लिए हर रोज किसी गैर मर्द का बिस्तर बनती हो। उस बच्ची को उठाने से पहले इतना तो सोच लेना था, तुमने भी कभी माँ बनना है। देखो मासूम बच्ची, तुम्हें कितने प्यार से अंकल कहती है, लेकिन तुम्हें रिश्ते नातों की क्या पहचान? तुम्हारा कौन सा कोई आगे पीछे है? अबे कितने बेहसर जालिम हो तुम लोग, जिन्होंने जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर एक मासूम बच्ची को उसके बाप से जुदा कर दिया। बहुत जुल्म है ये, बहुत जुल्म है। अपन को तेरा लेक्चर नहीं चाहिए, दौलत चाहिए, दौलत। अबे तेरी तो चल, 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 च
कर हमारा इंतजार करो। हम साला इसका करोड़पति प्रिंस बाप को लेकर आते हैं। बंद करो। नहीं चपोती। खोलो। कच्चा। खोलो मुझे। खोलो। खोलो मुझे। मेरा हाथ दर्द कर रहे हैं। टेंशन ना करो। खोलो। 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। मुझे पता चल गया है। नहीं वो सोने की चिड़िया और जिसकी तो कहानी बनाए करते थे। वो मेरे बगैर मर जाएंगे। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। ए छुट्टी, सोने देगी क्या नहीं? घंटे भर से एक घंट लगा रखी है तूने। मुझे माफ कर दो कमल बेटी, मुझे माफ कर दो। अंकल, थोड़े भी रोते हैं? हाँ, रोते हैं।
जब इंसानियत दम तोड़ दे और जुल्म हद से बढ़ जाए तो बड़े बड़े भी रो देते हैं बेटी, मगर मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। मैं तुझे तेरे बाप से जरूर मिलवाऊंगा। आप कितने अच्छे चोरी से तो जाता है लेकिन हीरा हीरी से नहीं जाता। आखिर तेरे अंदर के लालची इंसान ने फिर से अपन का दुश्मन बना लिया है। अब अपन को बना बैठा, अपन को बना बैठा। नहीं रीटा, कमल को अपन ऐसे नहीं लेगा। आज तक अपन के बीच में जो भी फैसला हुआ है वो ताकत के बलबूते पर हुआ है और आज भी फैसला साला ताकत के बलबूते पर होगा। अपन को तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज चाहिए अंकल। अंकल मेरे प्यारे टीचर। अंकल टीचर तो आप हो बेटा, जिसने साला हम जैसे डर्टी मैन को सबक दिया। साला अपन को माफ कर दो। छुरी मुंह में ला लूपिए, हमारी फेंकी हुई हड्डी तुम्हारे हलक में अटक गई। नहीं चलो इन दिन हराम हम जा।
यतीन, तुमने सेठ लुंगी वाला को मुल्क बदल करवाया, कंगाल करवाया, मैं तुझे बदहाल कर दूंगा, बदहाल। इस बंदर ने जिस थाली में खाया उसी ने छेद किया। तू तू तुम अरे तू भी हमारे बच्चे मुकातिल आना चाहता था। पहाड़ के सामने नहीं किसी ने खूब मिसाल बना। आज यहाँ वो तमाशा लगेगा जिसे देख कर समंदर में भी तुरा नहीं आ जाएगी। बच्ची हमारी गोद में और हंजर इसकी बगल में, तुम सबको पता है, आने वाले को काई पता नहीं। हम जो बोलेगा तुम उसको सैकन करेगा और बच्ची सुबह करेगा। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो उसकी लाश समुंदर की तह में होगी। आइए, हमने सुना है इस मुल्क की पुलिस हमेशा लेट आती, लेकिन लेकिन आपके आने से पहले हमने आपका फर्ज अदा कर दिया है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर ये ना होता तो न जाने क्या हो जाता। इस मासूम जान को इन चोरों और बैंडों के चुंगल से मैंने आजाद कराया। देखिए देखिए क्या हालत हो गई है मेरे दोस्त की। पहले मेरी भाभी को अगवा किया, फिर मेरी इस मासूम भतीजी को। ये आपके मुजरम मेरे कब्जे में है इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए, ले जाइए। इन सालों ने पड़े हैं भाई मेरे मासूम भतीजी और मेरे दोस्त पर। इसकी बात का यकीन न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारे हाथ खोल के देखिए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कमाल की बात मान लीजिए इंस्पेक्टर साहब, फिर देखिएगा चोरों के घर कौन चोर है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपके मुजरिम है, आप इन्हें ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, भगवान दास ठीक कहता है, आप इन सब मुजरिमों को ले जाइए, ले चलो इन सबको। खुलो इसे, खुलो इनको, चलो। फरिश्ता हमसे जिद कर रहा था कि मैंने भी
के साथ ही जाना है, लेकिन है किसी का दिल नहीं तोड़ा करते है? मैं की काश को जरूर पूरा करूंगा। ए बल्ला चंदा, भगवान दास तुझे तेरे भगवान का वास्ता, मेरी बच्ची को छोड़ दो। पहले बच्ची मरेगी फिर तुझे मारूंगा, जब बच्ची मरेगी इन पांचों का कलेजा फटेगा, क्योंकि इन पांचों की जान इस मासूम फरिश्ते में है। मैं पांच तक गिरूंगा और पांच ही गोलियां मारूंगा। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है भगवान दास, इस बच्ची को छोड़ दो। तू सारा अपन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन लेकिन अपने कमल को छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान दास, तुझे तेरे भगवान का वास्ता, बच्ची को छोड़ दे। इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें मार दो हमें।
खून से अपने माथे पे तिलक लगाएगा। आज अपन तेरे खून से तेरे माथे पे तिलक लगाएगा, तेरे खून से। कभी कभी हमको ऊपर फोन जरूर कर लिया करना।